वेलकम है आप सबका इस वीडियो में। और आज हम कुछ बात करने जा रहे हैं एंजल नंबर के बारे में, जो कि बार बार आपके सामने आ जाते हैं और आप उनको देखकर ये सोचते हैं कि क्या मतलब है इन नंबर्स का। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये नंबर एक्चुअली एक मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से और इनको एंजल नंबर्स कहा जाता है। तो रेडी हो जाइए कुछ नोट्स लेने के लिए, क्योंकि आज हम इन नंबर्स के मीनिंग्स जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हैं 111, 122, 333, 444, 555, 666, 777, 888 और 999। नोट कीजिए कि हमने इन नंबर्स पे पहले से ही डिटेल में वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप उन फुल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको 111 नंबर काफी दिखाई दे रहा है? इस नंबर के द्वारा एंजल्स आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो आपके विचार हैं और जो आपकी भावनाएं हैं या जो आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं बहुत तेज स्पीड से। इसलिए इन थॉट्स को अगर पॉजिटिव रखा जाए और अपनी डिजायर पे फोकस किया जाए तो वो भी तेजी से मैनिफेस्ट होगा। अब यहाँ पे ये एग्जांपल बनता है कि अगर आप अपने और अपने ट्विन के बीच के इश्यूज के बारे में सोच रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, और आपको अगर 111 नंबर दिखाई दे रहा है तो ये आपको बस रिमाइंड करा रहा है कि अगर आप इन इश्यूज पे ही फोकस करते रहेंगे तो ये ही ज्यादा मैनिफेस्ट होते रहेंगे आपकी लाइफ में। अगर आप 222 देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ट्विन की सोल आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रही है कि वो आपको प्यार करती है, और आपके एंजल्स भी आपको ये बताना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये नंबर मैसेज देता है बैलेंस का, हार्मोनी का और पीस का। ये आपको ये भी बता रहा है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो भी आगे चीजें होने वाली हैं वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो जाएंगी। एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं या आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपके ट्विन आपको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, और उस समय आपको 222 दिखाई दे देता है, तो ये एक साइन है कि जो चीजें हैं वो आपके बेटर के लिए होंगी और आपको बस फेथ रखना है कि वो सही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। नंबर 333 ये मैसेज है आपके एंजल्स के द्वारा कि आपको गाइड और प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंजल्स के द्वारा, असेंडेड मास्टर्स के द्वारा, और वो हमेशा आपके साथ हैं और आपको मदद कर रहे हैं आपके जो गोल हैं या जो सपने हैं उनको अचीव करने में। वो आपको बस यही कह रहे हैं कि ये याद रखने की कोशिश करें कि आप कौन हैं और इस प्लेनेट पे आप क्या करने के लिए आए हैं। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और आपको नंबर 333 दिखाई देता रहता है, तो ये साइन है कि आप अकेले नहीं हैं और आपको धीरे धीरे गाइड किया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप आपके सोल पर्पस की तरफ। आपका सोल पर्पस आज ही रिवील नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आप गाइडेंस फॉलो करते रहेंगे तो ये जल्दी ही रिवील होगा। अगर आप 444 देखते हैं बार बार तो आपके एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप हर रोज एक एक स्टेप ले रहे हैं, अपनी एक एक हीलिंग कर रहे हैं, यही है जो आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लेके आता है। ये एक और मैसेज भी देता है कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, खास करके अपने लाइफ के रिलेटेड या अपने काम के रिलेटेड या जो भी आपका डिवाइन लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, उसके रिलेटेड। और आपके एंजल्स और आर्क एंजल्स अवेलेबल हैं अगर आप उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं या हेल्प लेना चाहते हैं, लेकिन आपको उनको परमिशन देनी होगी। सो इसका एग्जांपल है कि अगर आप कोई डिसीजन लेने में अभी श्योर नहीं है और आपको 444 नंबर दिखाई देता है, तो एंजल्स की तरफ से ये एक साइन है कि आप खुद में ट्रस्ट करें, घबराएं नहीं, डरे नहीं, और मन ही मन में अपने गाइड्स और एंजल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको गाइडेंस और असिस्टेंस दी जाए, और जो आपको गाइडेंस रिसीव हो फिर आप उस पर एक्शन ले सकते हैं। 555 का ये मतलब है कि आपके जीवन में कुछ मेजर बदलाव या तो हो रहे हैं या होने वाले हैं। ये बदलाव जो हैं ये डिवाइन की तरफ से गाइडेड हैं, तो ये समय है कि आप जो पुराना है उसको जाने दें, छोड़ दें, जो कि आपको पॉजिटिवली कहीं हेल्प नहीं कर रहा है, और जो भी आपके लाइफ में नया आ रहा है उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिव थॉट्स रखें और ओपन माइंड से इन अपॉर्चुनिटीज को अपने सामने आने दें। आपके गाइड्स आपको कह रहे हैं कि बस गो विद द फ्लो, जो होता है उसके साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में कहीं फंसे हुए महसूस कर रहे हैं और अभी आपको 555 भी नजर आ रहा है, तो ये आपको यही कह रहा है कि वो ओल्ड पैटर्न और बिहेवियर या बिलीव्स जो हैं आपके जीवन के, उनको जाने देने का समय आ गया है, जो कि कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस चेंज को, इस बदलाव को गले लगाने का समय आ गया है और पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ने का, यानी गो विद द फ्लो का समय है। अगर आपको 666 बार बार दिखाई दे रहा है तो पहले ये जान लें कि इस नंबर का मतलब ये नहीं है कि ये भूत प्रेत है, इविल है, नेगेटिविटी है।
ये तो एक मैसेज है बैलेंस और हार्मनी का, ये रिमाइंडर है आपको कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना है और एक बैलेंस बनाना है अपनी फिजिकल वर्ल्ड में और जो आध्यात्मिक दुनिया है इन दोनों के बीच में। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि कई बार आपके दिमाग में थॉट्स जो हैं वो बार बार घूमते रहते हैं, या वो इश्यूज जो आप और आपके ट्विन के बीच में हो रहे हैं वो भी आपके दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं, और आपको अगर 666 नंबर तब दिखाई दे जाता है तो वो आपको ये कह रहा है कि आपको बैलेंस ढूंढने की जरूरत है और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके आने की जरूरत है। आप अपने गाइड्स को ये भी कह सकते हैं कि ये जो ओवरथिंकिंग है जो मैं कर रहा हूँ इसको प्लीज क्लियर एंड ट्रांसम्यूट करें। अगर आपको 777 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है तो आपके एंजल्स की तरफ से ये एक मैसेज है कि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और जो आपने इतना काम किया है अपने ऊपर उसका रिजल्ट भी अब आपको जल्द ही मिलने वाला है। ये गुड लक का साइन भी है और आपके जीवन में अबंडेंस भी आने वाली है। बस अपने गोल्स पे फोकस्ड रहें और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपको अपने रिवॉर्ड्स लेने का समय जो है वो नजदीक आता जा रहा है। इसका एक और मतलब भी है कि आपके और आपके ट्विन की एनर्जीज जो है वो आपस में बैलेंस हो रही है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आप अपनी यूनियन के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको 777 दिखाई दे रहा है तो आप राइट ट्रैक पे हैं, जो सक्सेस है जो यूनियन है वो बस आने ही वाला है, और आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आगे बढ़ते रहें, अपने अपने ट्रस्ट करें और यूनिवर्स में भी ट्रस्ट करें। 888 नंबर जो है वो खास करके अबंडेंस और फाइनेंशियल सक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक साइन है कि आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं और आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी में भी सपोर्ट किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा। तो इसका एक एग्जांपल है कि अगर आपके हाथ जो है इस समय तंग है, फाइनेंसिस टाइट है और अब आपको 888 दिखाई दे रहा है तो ये साइन है कि अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, अब आपका हाथ खुलने वाला है। आपको अभी भी ये फोकस रखना है कि आप पॉजिटिव रहते हैं और अपने जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनकी तरफ काम करते रहते हैं और ट्रस्ट कीजिए कि यूनिवर्स आपको सही समय पर प्रोवाइड करने वाला है वो सक्सेस और वो ग्रोथ। 999 बार बार देखने का मतलब है कि कुछ कंप्लीट हो रहा है और एक साइकिल है जो कि पूरा हो रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि अपने एंड पे आ गया है, खत्म होने वाला है, और इसका ये भी मतलब है कि जब पिछला खत्म होगा तो अगला कुछ नया स्टार्ट भी होने वाला है, एक फ्रेश, एक न्यू थिंग। आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो हीलिंग एनर्जीज है, उनको आपको अपनी बेटरमेंट और दूसरों के भले के लिए भी यूज करना है। तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जिससे आपको फायदा नहीं हो रहा बल्कि आपकी एनर्जी ड्रेन ही हो रही है, थकान ही हो रही है, और अब आपको 999 नंबर दिखता है तो ये साइन है कि आप इसको जाने दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट करें, जो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी तरफ वो बढ़िया ही होंगी और आपको बस इस जर्नी में फेथ रखने को कहा जा रहा है। किसी ने एक सवाल पूछा है कि कई लोग इन एंजल्स नंबर को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं या इनका अलग अलग मतलब निकालते हैं, तो किसके मतलब को समझा जाए या किसके मतलब को माना जाए। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि एंजल्स नंबर बस एक सिग्नल है, एक गाइडलाइन है आपके एंजल्स के द्वारा। आप इन एंजल नंबर को कोई भी मतलब दे लीजिए, जैसे कि 111 को आप ये मान लें कि जब भी 111 मुझे देखे मुझे नाचना है, तो एंजल्स आपको तभी 111 दिखाएंगे जब वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप नाचे। सो इस तरीके से आप इन एंजल नंबर का जो भी मतलब एक बार फिक्स कर लेते हैं कि ठीक है 111 का ये मतलब है, 222 का ये मतलब है, बाकी नंबर्स का भी ये मतलब है, तो एंजल्स नंबर उसी के अकॉर्डिंगली आपको ये नंबर दिखाएंगे ताकि वो आप तक वो गाइडेंस पहुंचा सके जो उन्हें पहुंचानी है। सो एंजल नंबर्स की कोई भी जो डेफिनेशन है, जो व्याख्या है, वो गलत नहीं है। बस आपको एक व्याख्या फिक्स करनी है अपने लिए और फिर एंजल्स उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करते रहेंगे। तो इस वीडियो के आखिर में हम बस यही बताना चाहेंगे कि ये नंबर एक बस कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको गाइड और सपोर्ट किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको ये नंबर्स दिखें, आप कुछ सेकंड्स का पॉज ले सकते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें से एक ब्रेक ले सकते हैं और बस हल्का सा अपने मन ही मन में सोच सकते हैं कि ये नंबर कहाँ पे अप्लाई हो रहा है मेरी लाइफ में या क्या चेंज करने को मुझे कह रहा है। मोस्टली ये आपको बस यही कहेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें सोचना है और अपने आप पे ट्रस्ट करना है और यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स की तरफ। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई कमेंट्स हैं इस वीडियो के बारे में तो उन्हें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे फ्री मेडिटेशन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और प्रोग्राम्स के लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।